हेलो दोस्तों, आज का ब्लॉग कुछ स्पेशल होने वाला है। आज के ब्लॉग में बताएंगे आप हमारे घर के बाहर और आसपास के एरिया में कैसा दिखता है। आपको पूरा इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, तो हमारे साथ बने रहिए। तो ये रहा दोस्तों हमारा घर, और हमारे घर के रास्ते से दूर निकलते हैं, एक इधर चल जाते हैं और एक इधर। तो हम आपको इधर दिखाते हैं आपको कैसा रास्ता। ये रहा हमारा बगान, ए फूल का पेड़, ए गन्ना का पेड़, यह है गुलाब का पेड़, देख सक रहे हो आप, जो कि अभी दो गुलाब हुआ। ये रहा कौन सा पेड़ नहीं बता, और फूल इसका खुशबू बहुत बढ़िया आता है। रहा बेदाने का पेड़, इसमें काफी सारे बेदाने ही पड़े हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, देख सकते हो आप, इधर भी है। मेरा फूल का गाछ, मेरा पपीता का पेड़, साखला और तुलसी का पेड़, एक पपीता गाछ है। बगान देख लिया आप, मैं आपको दिखाता हूँ हमारे आसपास का घर, देख सकते हो बगान, पूरा हमारा घर। ये मेरा पास का घर, लगभग सारे घर यहाँ पर टाली का है, और ये रास्ता ऊपर चल जाता है हमारे घर के। इस तरफ का रास्ता दिखाएंगे क्या क्या खूबसूरती है इस तरफ। चलिए, तो ये रहा हमारा मार्ट, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है, और मार्ट के पास से रास्ता चला जा रहा है, क्योंकि जो मेन रोड के पास से रास्ता जा रहा है, जो पहले उत्तर रास्ता था, पर अभी यहाँ पर हो जा रहा है, क्योंकि रास्ते में काम चल रहा है पानी का, तो रास्ता यहीं से बना है। और आप देख सकते हो यहाँ का हरियाली, आपको अच्छी तरह से दिखाता हूँ। वहाँ पर बच्चे लोग खेल रहे हैं, और यहाँ पर पहन कपड़ा वपड़ा पसारा गया है, यहाँ पर पूरा गांव के जैसा कपड़ा पसारा हुआ है। और ये देख सकते हैं पास वाला घर, ये भी घर सब टाली का है, और ये रहा आम का पेड़। दोस्तों हमारे पास यहाँ से और एक रास्ता चल जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आगे वहाँ से जो दिखा रहे थे आपको, यहाँ का आपका इसके बारे में बताते हैं, यहाँ क्या क्या है। तो यहाँ पर पत्थर रखा हुआ है, उसके पास दो गाड़ी देख रहे हैं, वो सादा वाला गाड़ी हम चलाते हैं, पर अभी छुट्टी में है तो गाड़ी रखा हुआ है, टिप नहीं है, और एक जैसे भी चल रहा है। यही रास्ता जा रहा है कि वहाँ पर रास्ता से मिल रहा है, और वहाँ पर देख पा रहे हैं आप लोग, वहाँ पे वो मंदिर, वो हमारा मंदिर है। ये देख पीछे जो हमारा देख रहे हैं, ये जंगल दिख रहा है आपको, ये असल में एक भट्टा है जो यहाँ पर ईंटा बनता है, पर अभी बहुत दिनों से बंद है, तो यहाँ पर जंगल हो चुका है, तो जंगल फट चुका है यहाँ पर, नहीं तो पहले भी यहाँ पर बहुत लोग रहते थे। मेरे पीछे देख पा रहे हो पुराना, बहुत पुराना घर है, वो जो भट्टा चलता है तो घर में लोग भरती रहते हैं। और ये जो गाछ देख पा रहे हैं दोनों, बहुत ही 3-4 साल पुराना है, और यहाँ चारों तरफ देख रहे हैं कितना हरियाली है। ये पेड़ भी बहुत पुराना पेड़ है, चारों तरफ हरियाली, और भट्टा भी बन चुका है पूरा हरियाली। तो आप लोगों ने देखा मेरे घर के आसपास कितना नेचुरल खूबसूरती है, जो कि हरा हरा भरा हुआ है ना। तो उस तरफ भी मेरे पीछे देख पा रहे हैं, उस तरफ गंगा नदी है, बीच में भी बड़ा सब खूबसूरत जगह है, और वहाँ पर अभी जुआड़ होता है, वो कि अभी दिखा नहीं पा रहे वहाँ पे, वहाँ पर देखने के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। अभी सूखा हुआ होता तो आपको जरूर दिखाते। तो दोस्तों मेरे आज के ब्लॉग को आप लोग अच्छे से दिखाया मैंने आपको, तो मेरे इस फर्स्ट ब्लॉग को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और सब्सक्राइब तो जरूर करना, ताकि मैं आपके लिए और भी ब्लॉग बना सकूँ, और भी कहीं भी जाऊँ घूमने तो आपके लिए ब्लॉग बना सकूँ। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।